हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के टॉपिक ग्लाइकोसाइड के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। स्टूडेंट, हमारे फार्माकोग्नोसी का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था हमारा अल्कोलाइड, जिसमें हमने डिस्कस किया था उसके इंट्रोडक्शन, टाइप्स, प्रॉपर्टीज़, केमिकल टेस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलाइड, जिसको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया था। एंड ग्लाइकोसाइड के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था उसके इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारा पार्ट टू था, एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड के बारे में। एंड उसके पार्ट थ्री में हमने डिस्कस किया था स्टेरॉल और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आपने अब तक हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोस, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ये किसी भी तरीके के फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन करें स्टूडेंट, अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ें, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। फर्स्टली, सपोनिन्स आर ग्लाइकोसाइड कंपाउंड्स ऑफन रिफर्ड टू एज अ नेचुरल डिटर्जेंट बिकॉज ऑफ देयर फोमी टेक्सचर। स्टूडेंट, ये जो हमारे सपोनिन्स है वो ग्लाइकोसाइड कंपाउंड है, जिसे हम नेचुरल डिटर्जेंट भी कहते हैं, रिफर करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फोमी स्ट्रक्चर, क्योंकि उसका जो फोमी स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से हम उसे नेचुरल डिटर्जेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे गेट देयर नेम फ्रॉम द सोप वर्थ प्लांट, दैट इज सेपोनेरिया, द रूट ऑफ विच वॉज यूज हिस्टोरिकली एज अ सोप, लैटिन सेपो दैट मीन्स सोप। स्टूडेंट, ये जो सपोनिन ग्लाइकोसाइड का जो उसको नाम मिला है वो सोप वर्थ प्लांट, जिसे हम सपोनेरिया भी कहते हैं, इसके द्वारा मिला गया है, दिया गया है वो नाम। एंड द रूट ऑफ विच वॉज यूज हिस्टोरिकली एज अ सोप, जो इसका रूट है वो हिस्टोरिकली एज अ सोप यूज़ किया जाता था। और ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसके मीनिंग होते हैं सेपो मीन्स सोप। नेक्स्ट पॉइंट इज foremost among this is the strong tendency to formation when shaken with water, जो इसकी strong tendency क्या है fourth formation की, जब कि इसे water के साथ shake किया जाता है, पानी के साथ shake किया जाता है, तो इन्हें fourth formation करता है, fourth form करता है। next is the other properties are hemoactivity, sneezing effect, toxicity, complex formation with cholesterol and antibiotic properties। स्टूडेंट, ये जो हमारे सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं उनकी अदर प्रॉपर्टीज़ क्या है? हीमोलाइटिक एक्टिविटी शो करता है इन्हें, स्नीजिंग इफेक्ट शो करता है, टॉक्सिसिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। एंड देन नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज द एग ग्लाइकॉन इज रिफर्ड टू एज द सपोजेनिन एंड स्टेरॉइड सपोनिन्स आर कॉल्ड सारसपोनिन। जो हमारा ए ग्लाइकोन है उसे हम सेपोजेनिन कहते हैं, एंड जो हमारे स्टेरॉइड सपोनिन्स है उसे हम सारसपोनिन्स कैसे कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ए ग्लाइकोन, सपोनिन्स आर कैरेक्टराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। इसके नेचर के, जो हमारा ए ग्लाइकोन सपोनिन है उसके नेचर पे डिपेंडेंट, कितने दो ग्रुप में हम इसे डिवाइड करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। फर्स्ट इज स्टेरॉइड सपोनिन्स एंड द सेकेंड इज ट्राइटर्पेनॉइड सपोनिन्स। नेक्स्ट है हमारा ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली डायस्कोरिया, नेक्स्ट इज लिकोराइस, एंड द नेक्स्ट इज शतावरी, नेक्स्ट इज ब्राह्मी, नेक्स्ट इज जेंसिंग, नेक्स्ट इज सेनेका, नेक्स्ट इज क्विलाया, नेक्स्ट इज गोक्रू, एंड नेक्स्ट इज सेव मुसाली, एंड नेक्स्ट इज जल ब्राह्मी। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, हमारा डायस्कोरिया के साथ। इसके सिनोनिम्स क्या है? यम। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकली हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से डेराइव होता है। तो डायस्कोरिया इज द ड्राइड राइजोम्स ऑफ डेल्टोइडिया एंड डी कंपोसाइट। ये जो हमारा डायस्कोरिया है वो क्या कंसिस्ट करता है? ड्राइड राइजोम के, कौन से प्लांट के? डायस्कोरिया डेल्टोइडिया एंड डायस्कोरिया कंपोसाइट।
नेक्स्ट इज फैमिली, कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो डायस्कोरियासी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो फर्स्ट इज डाइसोजेनिन, नेक्स्ट इज सिमिलाजेनिन, नेक्स्ट इज एपिसिमिलाजेनिन, नेक्स्ट इज यमोजेनिन। नेक्स्ट इज यूजेस, कि हम इसे यूज कहाँ करते हैं, फर्स्टली दिस इज वाइडली यूज इन मॉडर्न मेडिसिन इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर प्रोजेस्टेरोन एंड अदर स्टेरॉइड ड्रग्स। ये जो हमारा डायस्कोरिया है वो मॉडर्न मेडिसिन के लिए, उसके मैन्युफैक्चर के लिए, कौन से किसके मैन्युफैक्चर के लिए, प्रोजेस्टेरॉन एंड जो अदर हमारे स्टेरॉइड ड्रग्स हैं उनके मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सेकेंड, दीज आर यूज एज कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर ऑफ द जेनिटरी ऑर्गन्स। ये जो हमारे डायस्कोरिया क्यों यूज़ होते हैं, एज इन कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ करते हैं एंड जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो जेनिटरी ऑर्गन्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनके डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट ड्रग्स है लिकोराइस, ये है डायग्राम लिकोराइस का। सिनोनिम्स मुलेथी, बायोलॉजिकल सोर्स, लिकोराइस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड पील्ड और अनपील्ड रूट एंड स्टोलन ऑफ ग्लिसेरिजा ग्लाब्रा। जो हमारा लिकोराइस रूट है, लिकोराइस क्या कंसिस्ट करता है, पील्ड और अनपील्ड रूट और स्टोलन, रूट एंड स्टोलन जो होता है वो कौन से प्लांट का, ग्लिसेरिजा ग्लाब्रा प्लांट का। नेक्स्ट इज फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनोसे। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फर्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज ग्लिसेरिजिन एंड द सेकेंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज ग्लिसेरिजिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा ग्लिसेरिजिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ग्लिसेरेटिक और ग्लिसेरेटिनिक एसिड। ये जो हमारा ग्लिसेरिजिक एसिड है वो हाइड्रोलाइसिस पे हमें क्या देता है, ग्लिसेरेटिक और ग्लिसेरेटिनिक एसिड देता है। नेक्स्ट है इसके यूजेस, कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, एज एन एक्सपेक्टोरेंट डिमल्सेंट एंटी अल्सर हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शतावरी, ये है स्टूडेंट शतावरी का डायग्राम। स्टार्ट करते हैं विद दी सिनोनिम्स, एस्पैरेगस इसके सिनोनिम है, बायोलॉजिकल सोर्स। नेक्स्ट दी ड्रग इज डेराइव्ड फ्रॉम ड्राइड ट्यूबरस रूट ऑफ एस्पैरेगस रेसिमोसिस। ये जो हमारा ड्रग है वो किसके द्वारा ड्राइव, कहाँ से ड्राइव होता है, ड्राइड ट्यूबरस रूट से, कौन से प्लांट के, एस्पैरेगस रेसिमोसिस प्लांट के। नेक्स्ट है फैमिली लिली एसे। नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर स्टेरॉइडल सपोनेंट्स सच एज शतावरीन 1 and 4। जो हमारा इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, स्टेरॉइडल सपोनिन है, जिसमें क्या है इसके एग्जांपल, शतावरीन 1/4। फर्स्ट इज शतावरीन 1 इज द मेजर ग्लाइकोसाइड विथ 3 ग्लूकोज एंड 1 रेमनोज मोइटीज अटैच टू द सारसपोजेनिन। ये जो हमारा शतावरीन 1 है वो मेजर ग्लाइकोसाइड है, जिसमें 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 रेमनोज मॉलिक्यूल की मोइटीज पाई जाती है, एंड जो कि कहाँ अटैच होता है, किसके साथ अटैच होता है, सारसपोजेनिन से अटैच होता है। नेक्स्ट इज देयर इज इन शतावरीन 4 2 ग्लूकोज एंड 1 रेमनोज आर अटैच्ड। इसमें क्या है, शतावरीन 4 में 2 ग्लूकोज और 1 रेमनोज अटैच होते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस, इसके यूजेस क्या है, फर्स्ट इज एंटीस्पास्मोटिक डिमल्सेंट, नेक्स्ट थर्ड इज डायूरेटिक, फोर्थ इज लैक्टोगोग्यू, फिफ्थ इज शतावरीन 1 पोजेस एंटी ऑक्सीटॉक्सिक प्रॉपर्टीज। ये जो हमारा शतावरीन 1 है वो क्या पोजेस करता है, एंटी ऑक्सीटॉक्सिक प्रॉपर्टीज शो करता है, पोजेस करता है। हमारी नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है स्टूडेंट ब्रह्मी, ये है ब्रह्मी का डायग्राम। एज यू कैन सी, फर्स्ट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या है, मंदुक पार्नी, बायोलॉजिकल सोर्स। ब्राह्मी इज द फ्रेश और ड्राइड हर्ब ऑफ सेंटीला एसियाटिका। ये जो हमारा ब्राह्मी है वो क्या है, फ्रेश ड्राइड हर्ब है, कौन से प्लांट का,
सेंटीला एसियाटिका प्लांट का. नेक्स्ट इज फैमिली एम्बेलीफेरी. नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, किसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं. जिसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टूडेंट वो क्या है, ट्राइटर्बेनॉइड सपोनिन ग्लाइकोसाइड. फर्स्ट है ट्राइटर्बेनॉइड एंड सपोनिन ग्लाइकोसाइड फर्स्ट. नेक्स्ट इज इंडोसेंटिलोसाइड. नेक्स्ट इज ब्रह्मोसाइड. नेक्स्ट इज ब्रह्मिनोसाइड. नेक्स्ट इज एसियाटिकोसाइड. नेक्स्ट इज थैंकोनीसाइड. नेक्स्ट इज आइसोथैंकोनीसाइड. नेक्स्ट क्या है इसके यूजेस, क्या हम इसे यूज़ क्या क्यों करते हैं, क्या है इसके यूजेस. ये जो प्लांट है वो क्यों यूज़ करते हैं, एज एन टॉनिक यूज़ करते हैं. एंड जो स्किन के डिसीज रहते हैं उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं. एंड नर्व ब्लड एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए भी हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं, इस प्लांट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज जिनसिंग. ये है जिनसिंग का डायग्राम. फर्स्ट इज सिनोनिस. फर्स्ट इज पेनंग. नेक्स्ट इज निंजन. नेक्स्ट इज जिनसिंग रूट. नेक्स्ट इज पेनेक्स. नेक्स्ट इज एसियाटिक जिनसिंग. ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, अदर नेम्स हैं. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स. बायोलॉजिकली हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्रोवाइड होता है. जिनसिंग इज कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ पेनेक्स. फर्स्ट क्या है इसमें, मोस्ट एक्सपेंसिव आर पेनेक्स जिनसिंग, दैट इज कोरियन जिनसिंग. जो हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव पेनेक्स है वो कौन सा है, पेनेक्स जिनसिंग है, वो कौन सा है, कोरियन जिनसिंग. पेनेक्स जिनसिंग जिसे हम कोरियन जिनसिंग कहते हैं. हमारा नेक्स्ट है पेनेक्स जैपोनिका जिसे हम जापानीज जिनसिंग कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा पेनेक्स सूडो जिनसिंग जिसे हम हिमालयन जिनसिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज पेनेक्स क्विनक्वी फोलियस जिसे हम अमेरिकन जिनसिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज पेनेक्स ट्राईफोलियस फोलियस जिसे हम डॉर्फ जिनसिंग कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा पेनेक्स विटामिनसिस जिसे हम विटामिनस जिनसिंग कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा फैमिली कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, एरालियासी. नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं. तो फर्स्ट इज जिनसेनोसाइड, ये हमारा फर्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है. एंड नेक्स्ट है हमारा टीकू सेट्सू सपोनेंस. नेक्स्ट है हमारा पेनोक्सोसाइड. नेक्स्ट है यूजेस कि इसके यूजेस क्या है. फर्स्ट इज कार्मिनेटिव. नेक्स्ट इज डिमल्सेंट. नेक्स्ट इज इमेटिक. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टोरेंट. एंड नेक्स्ट इज स्टिमुलेंट एंड टॉनिक. ये सारे इसके यूजेस हैं. स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट ड्रग जो कि हमारा है सिनेगा. ये है सिनेगा का डायग्राम एज यू कैन सी. फर्स्ट सिनोनिम. सिनोनिम्स क्या है, रेटल स्नेक रूट. देन नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स. क्या है बायोलॉजिकल सोर्स, सिनेगा कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स एंड रूट स्टॉक ऑफ पॉलीगैला सिनेगा. ये जो हमारा सिनेगा है वो क्या कंसिस्ट करता है, ड्राइड रूट एंड रूट स्टॉक पार्ट को कंसिस्ट करता है. कौन से प्लांट के, पॉलीगैला सिनेगा प्लांट के. नेक्स्ट इज फैमिली के कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है. तो फर्स्ट कौन सी फैमिली है, पॉलीगैलासी. नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं. तो फर्स्ट इज सेनेजिन. नेक्स्ट इज पॉलीगैलिक एसिड. नेक्स्ट इज यूजेस, इसके यूजेस क्या है, कैथार्टिक डायूरेटिक एमेटिक एक्सपेक्टोरेंट एंड स्टिमुलेंट यूज किया जाते हैं. ये सब है, सारे इसके यूजेस हैं. ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्या है, एलाइड ड्रग्स जिसका फर्स्ट क्या है, इंडियन सेनेगा जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, पॉलीगैला चिनेंसिस. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड सुपीरियस इंडियन सेनेगा जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, ग्लियमियस अपोसिटिफोलिया. नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाइट सेनेगा जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, पॉलीगैला एल्बा. हमारी नेक्स्ट ड्रग है स्टूडेंट सेवन क्विलाइया. ये है स्टूडेंट क्विलाइया का डायग्राम एज यू कैन सी. फर्स्ट इज सिनोनिम्स, सोप बाग, पनामा वुड से हम किस नाम से जानते हैं, सोप बाग पनामा वुड के नाम से. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ड्राइड इनर बार्क ऑफ क्विलाजा सपोनेरिया. ये जो है क्या है, ड्राइड इनर बार्क है, कौन से प्लांट का, क्विलाजा सपोनेरिया. नेक्स्ट इज केमिकल फैमिली, फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रोसासी. नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पाए जाते हैं, क्विलाइया बार कंटेन सपोनिन
10%, ये जो हमारे सपोनिन्स है क्विलाया बार्क में 10% होते हैं. नेक्स्ट क्या है, क्विलिक एसिड. नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्सलेट. नेक्स्ट इज स्टार्च. नेक्स्ट इज सुक्रोज एंड टेनिन. ये सारे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इसमें पाए जाते हैं. ये कंटेन क्विलाया बार्क कंटेन करता है. नेक्स्ट है हमारा यूजेस, कैसे यूज़ क्यों करते हैं हम. क्विलाया बार्क इज़ यूज एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर कोल टार इमल्शन, क्लीनिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, वॉशिंग डेलिकेट फैब्रिक्स, टू प्रिपेयर टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, हेयर शैम्पूस, हेयर टॉनिक, टार सॉल्यूशंस एंड मेटल पॉलिशेस. स्टूडेंट, ये जो हमारा क्विलाया बार्क है उसे हम क्यों यूज़ करते हैं, एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं. किसके लिए, कोल टार इमल्शन के लिए, जो हमारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उनकी क्लीनिंग के लिए, डेलिकेटेड फैब्रिक की वॉशिंग्स के लिए, एंड सम प्रिपरेशंस है जिसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं. क्या क्या प्रिपरेशंस है स्टूडेंट, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, हेयर शैम्पू, हेयर टॉनिक, टार सॉल्यूशन एंड मेटल पॉलिशेस के प्रिपरेशन के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं क्विलाया बार्क को. नेक्स्ट ड्रग इज गोखरू, जो हमारी ए ड्रग है. ये है स्टूडेंट गोखरू का डायग्राम. एज यू कैन सी, फर्स्ट इज सिनोनिम्स. क्या है इसके सिनोनिम्स, कालड्रॉप्स फ्रूट. बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा. नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फुल्ली रिपिन फ्रूट्स ऑफ प्लांट ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस. ये जो हमारा प्लांट है वो क्या है, क्या कंसिस्ट करता है, ड्राइड फुल्ली रिपिन फ्रूट. जो फुल्ली रिपिन फ्रूट है ड्राइड, उसको कंसिस्ट करता है कौन से प्लांट के, ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस प्लांट के. नेक्स्ट है हमारा फैमिली के, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जाइगोफाइलेसी. जाइगोफाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है. नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं. फर्स्ट इज द ड्रग कंटेन्स ट्रेस ट्रेसेस ऑफ अल्कोलॉइड हार्माइन एंड हार्मन. जो हमारे ड्रग है वो क्या कंटेन करते हैं, अल्कोलॉइड की ट्रेसेस, कौन से अल्कोलॉइड के, हार्माइन एंड हार्मन. नेक्स्ट इज दे कंटेन सपोनिंस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड स्टेरॉयडल सपोजेनिन लाइक डाइसोजेनिन, जीटोजेनिन, क्लोरोजेनिन एंड रुस्कोजेनिन. ये जो हमारे सपोनिन जो कंटेन करते हैं, अगर उनका हाइड्रोलाइज होता है तो हमें क्या मिलता है, स्टेरॉयडल सपोजेनिन मिलता है. लाइक एग्जाम्पल क्या है उसके, डाइसोजेनिन, जीटोजेनिन, क्लोरोजेनिन एंड रुस्कोजेनिन. नेक्स्ट इज द थर्ड, इट ऑल्सो कंटेन्स फ्लेवोनॉइड्स कैमिफेरॉल. ये क्या है और क्या कंटेन करता है, फ्लेवोनॉइड को कंटेन करता है एंड कैमिफेरॉल को कंटेन करता है. नेक्स्ट इज यूजेस, क्या है इसके यूजेस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी आर्थराइटिक, डायूरेटिक, टॉनिक प्रॉपर्टीज, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट ड्रग है स्टूडेंट हमारा 9th, जो है हमारा सेफ मसाले. तो आइए पढ़ते हैं डिटेल में. फर्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स. बायोलॉजिकली इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड पील्ड ट्यूबरस रूट ऑफ प्लांट नोन एज क्लोरोफाइटम बोरीविलैनम. ये जो हमारे सेफ्ड मसाले है वो क्या कंसिस्ट करते हैं, ड्राइड पील्ड ट्यूबरस रूट पार्ट को कंसिस्ट करते हैं. कौन से प्लांट के स्टूडेंट, क्लोरोफाइटम बोरीविलैनम प्लांट के. नेक्स्ट है हमारा फैमिली, कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लिली एसी. नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पाए जाते हैं, तो इट कंटेन सपोजेनिन, जिसके जिसे हम और क्या कहते हैं, हेकोजेनिन. इट कंटेन सपोजेनिन, हेकोजेनिन. सपोजेनिन को हम क्या कहते हैं, हेकोजेनिन भी कहते हैं. नेक्स्ट है इसके यूजेस, इट इज़ यूज एज टॉनिक फॉर जनरल डेबिलिटी एंड एज एफ्रोडाइसियक एंड डेबिलिटी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. जनरल टॉनिक है ये, जिसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा जल ब्राह्मी 10th. फर्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स, फ्रेश लीव्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट बेकोपा मोनियारा, जिसे हम और क्या बोलते हैं, हेरपेस्टिस मोनियारा. ये क्या कंसिस्ट करता है, फ्रेश लीव्स कंसिस्ट करता है. लीव्स एंड स्टेम, जो फ्रेश लीव्स एंड स्टेम है प्लांट के उसको कंसिस्ट करता है. कौन से प्लांट के कंसिस्ट करता है, बेकोपा मोनियारा, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, हेरपेस्टिस मोनियारा. नेक्स्ट है हमारा फैमिली, कि कौन सी फैमिली से इन्हें बिलोंग करता है, तो
स्क्रोफिलारियासी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, किसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो अल्कोलॉइड ब्रोमीन ये है एक फर्स्ट। हमारा नेक्स्ट है हर्पेस्टाइन, ने ऑल्सो कंटेन सपोनिन बैकोसाइड ए एंड बी, ये और क्या कंटेन करता है, सपोनिन बैकोसाइड ए बी को कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट है इसके यूजेस, कि इसे हम यूज़ क्यों करते हैं, फर्स्ट इज अस्थमा एपिलेप्सी डायरेटिक इनके ट्रीटमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ एंटायर प्लांट शो एंटी कैंसर एक्टिविटी, जो हमारे जो एंटायर प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या शो करता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी भी शो करता है। आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारा एफर्ट पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते जाएंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें उन स्टूडेंट के साथ जो स्टूडेंट जीपैट या अदर फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।